सिंगरौली जिला कोतवाली पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया है। तलाशी लेने पर युवक के पास से 11 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। पुलिस युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कोतवाली थाना प्रभारी सुदेश तिवारी को मुखबिर से सूचना मिली कि बीजापुर की तरफ से आया एक युवक गिनारिया कचरा फैक्ट्री के पास गांजे की डिलीवरी के लिए खड़ा है। थाना प्रभारी ने तत्काल घेराबंदी कर उसे हिरासत में ले लिया, जहां उसके पास एक बैग में 11 किलो गांजा मिला। आरोपी युवक झारखंड के धनबाद का रहने वाला है। पुलिस ने उसके खिलाफ NDPS के तहत केस दर्ज करते हुए जेल भेज दिया है। 11 किलो गांजा मिला, 11 किलो गांजा यहाँ पर बिक्री के लिए आया, तो निश्चित रूप से अगर ये बिक्री कर देता तो कई लोगों को नुकसान होता और समाज में एक बुरा असर जाता। हम लोगों ने इसकी बिक्री से पूर्व ही इसको पकड़ लिया। उसके द्वारा और भी कई सूचनाएं मिली हैं, किस किस को पहले आया है, किस किस को दिया है, और उन सूचनाओं पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इसको लगभग इसकी कीमत जो है करीब 2-2.5 लाख रुपए की, और ये लोग अगर सेल करते हैं इसको पुड़िया बना के बेचते तो लगभग 5 लाख रुपए इससे प्राप्त करते हैं। और निश्चित रूप से कुछ फिर उसी दिशा में ये लोग गलत काम फिर करते, उससे पूर्व भी हम लोगों ने पकड़ लिया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।